हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज आईआईटी जैम 2000 2023 का क्वेश्चन नंबर 14 हाँ जी बेटा क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन सेंट्रल लिमिट थ्योरम से है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है आपको आराम से फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर आप देखिए कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को देखिए आपको एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है दिया है एक्स आई जब टू है तो दिया है और आपसे स्टैंड नॉर्मल तक की बात कर रहा है किस रैंडम वेरिएबल की xi by i की <coughs> तो मतलब आपको इसका मीन निकालना है वेरिएंस निकालना है और फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है और सेंट्रल लिमिट थ्योरम तो कहती ही है क्या कहती है बेटा सेंट्रल लिमिट थ्योरम अगर समेशन xi का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल विद मीन n mu xi, n, n xi एक्सपेक्टेशन ऑफ xi एंड n सिग्मा स्क्वायर मींस n वेरिएंस ऑफ xi राइट पर यहाँ पर समेशन एक्स आई अपॉन आई है तो इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं मेरे बेटा समेशन एक्स आई बाय आई फोलोज नॉर्मल एन टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई अपॉन आई कॉमा एन टाइम्स वेरिएंस ऑफ एक्स आई अपॉन आई यस बेटा जिसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों समेशन एक्स आई अपॉन आई approximately normally distributed, n upon i, expectation of xi, n upon i square, yes, variance of xi. Let us this be equation one. इसमें हमें values को put करना, इसका distribution निकल जाएगा हमारा आराम से। तो चलिए भाई आगे बढ़ते। Now we need to find the distribution of xi. Xi i है हमारे पास और 2i है। एक्स आई की प्रोबेबिलिटी आई है विद आई की और ये है थ्री बाय फोर प्रोबेबिलिटी तो वन है बेटा ये तो पता ही है अगर मीन निकालना है तो आपको एक्स आई इन टू पी एक्स आई करना पड़ेगा बेटा राइट तो विच इज आई बाई फोर एंड विच इज सिक्स आई बाई फोर तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई तो आ गया मेरे बेटा विच इज सेवन आई बाई फोर ऐसी स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा तो मेरे बेटा आई बाय फोर आ गया राइट right? आ गया ना देखो क्यों बच्चों आई स्क्वायर बाय फोर आ गया आपके पास ये फोर आई स्क्वायर चार थे बारह ट्वेल्व आई स्क्वायर बाय फोर आ गया तो इफ़ वी एड इट तो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आ रहा है मेरे बेटा थर्टीन आई स्क्वायर बाय फोर अब मैं इसको अगर इक्वेशन वन में सब्सिट्यूट कर दूं मेरे बच्चों तो मेरा समेशन अच्छा यहाँ गलती है मेरी टाइपिंग में एरर है गलती से समेशन एक्स आई अपॉन आई नहीं है समेशन एक्स आई अंदर आई के है हो जाता है इट इज जस्ट अ क्लैरिकल एरर आई अपॉन आई हाँ जी तो समेशन एक्स आई अपॉन आई विल बी नॉर्मल एन अपॉन आई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या है बेटा सेवन आई बाई फोर तो आई से आई कट गया ये क्या है बेटा एन आई स्क्वायर विच इज थर्टीन आई स्क्वायर बाय फोर ओ हो नो 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 तो ये गलती मैंने फिर कर दी है देखो बच्चो वेरियंस का फॉर्मूला तो कुछ और होता है तो वेरियंस के लिए पहले वेरियंस निकालना पड़ेगा ना बेटा सॉरी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए सो एक्सपेक्टेशन ऑफ आई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर आप इसको सॉल्व करो बेटा थर्टीन आई स्क्वायर बाय फोर माइनस फोर्टी नाइन आई स्क्वायर बाय सिक्सटीन तो अब आपका एलसीएम हो गया बेटा सिक्सटीन तो सिक्सटीन हो गया तो फोर थ्री जहा ट्वेल्व फिफ्टी टू आई स्क्वायर माइनस फोर्टी नाइन आई स्क्वायर विच इज थ्री आई स्क्वाय सिक्सटीन अब ठीक है अब यहां रख सकते हो आप बेटा अब आप रख सकते हो n i स्क्वायर एंड 3 i स्क्वायर बाय 16 ये तो ऐसे कट गया मेरे बेटा सो दैट इज तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया मेरे बच्चों समेशन x अपॉन I, i का जो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया वो 7n बाय 4 एंड 3n बाय 16 आ गया बेटा न वी ब्रिंग इट टू द स्टैंड नॉर्मल फॉर्म यस वी कैन हम इसको स्टैंड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों से अपन अंडर रूट थ्री एन बाय सिक्सटीन फोलो स्टैंड नॉर्मल यस बेटा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो फोर ऊपर चला जाएगा रूट थ्री एन नीचे रह जाएगा रूट थ्री इंटू रूट एन और समेन एक्स आई अपॉन आई माइनस फोर से फोर कट जाएगा सेवन अपॉन रूट थ्री इंटू रूट एन फॉलोज एन जीरो वन तो अब आपका ये एक्सप्रेशन आ गया मेरे बेटा आ गया तो लेट एस फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी वन तो यस दिस इज योर सी वन फोर बाय थ्री इज योर सी वन एंड सेवन बाय रूट थ्री इज योर सी टू ओकेर इन दिस इक्वेशन तो रूट थ्री यहाँ पर भी रूट थ्री है रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा भाई तो आपके पास आएगा फोर थ्री जवेल्व पर यहाँ दिया हुआ है प्लस अच्छा जी चलो देखो माइनस आएगा यहाँ तो खैर क्योंकि समेशन एक्स आई माइनस है ना वैल्यू हाँ फोर थी रूट थ्री थ्री टाइम्स फोर बाय रूट थ्री प्लस कीजिएगा माइनस सेवन बाय रूट थ्री तो रूट थ्री रूट थ्री सब ये कट गया बेटा चार थी बारह माइनस सात पांच आ गया आपका आंसर सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन सो होप यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ जैम ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपको अच्छा लगा होगा